जी नाजिन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। एक और लोकेशन पे हम मौजूद हैं, यहाँ भी सूरत हाल खराब से खराब तर है। आप खुद देख लें, पीछे कंटेनर्स पूरे तौर पर भरे हैं और जो कूड़ा है वो बाहर की तरफ गिर रहा है, और जो वर्कर्स की इक्विपमेंट है वो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो कूड़े वाली रेड़ियाँ हैं किस तरह से वहाँ पे उल्टी पड़ी हैं, क्योंकि वर्कर्स जो है एहतजाज में हैं और कूड़ा जो है वो यहाँ पे उस लेके जाया नहीं जा रहा। इसके अलावा ये कंटेनर्स फिल्ड है पूरे के पूरे कम्प्लीटली, ऊपर से कूड़ा जो है उगल रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मैं आपको दिखा दूं कि कुछ खाली कंटेनर्स भी हैं जो कि साइट पे रखे हैं, अगर वो यहाँ पे सीधे करके रख दिए जाएं तो उनके अंदर भी कूड़ा डाला जा सकता है। लेकिन अगेन ये मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट जो है वो हड़ताल के ऊपर है, अलबेराग जो है हड़ताल के ऊपर है, जिसकी वजह से जो लाहौर एक पेरिस का टाइटल रखता था वो भी उससे छिन रहा है। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, सूरत हाल कब से यहाँ से देख रहे हैं ये भी उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कितना बैठ के चाय पीते हैं कूड़े के सामने? जी इसी तरह रोजमर्रा का रूटीन मैटर अब बन गया है। अच्छा। क्योंकि पहले जब हुकूमत नून लीग की थी तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, चलो कौंसलरों को अख्तियार आते, नाजम वाइस चेयरमैन चेयरमैन को अख्तियार आते, वो सारे गलियों मोहल्लों में आते, चक्कर लगाते, पूछ लेते थे। अब कोई सिस्टम निजाम ही नहीं रहा, अब हुकूमत चेंज हुई है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं मेरिट पे कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं कि आप पीएमएलएन के सपोर्टर हैं? ये बात नहीं है, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए दोनों पीटीआई भी और नून लीग भी एक जैसी है। ये बहुत अच्छी बात, मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ। जो इलाका आप ही देख रहे हैं आपके सामने मेरिट भी आपको लगा रहा है, ये भी देखें आप आगे आप वजह कुछ आपने पढ़ी या टीवी पे देखी? हुकूमत की तवज्जो कोई नहीं है, टीओ वो अपनी जगह है, टीएमओ तवज्जो नहीं दे रहे, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो तवज्जो नहीं दे रहे, एमपी एमएनए तवज्जो कोई नहीं दे रहा, इधर उधर उन्होंने बना दिया है। काउंसलर हजरात के ऊपर भी कोऑर्डिनेटर ले आए हैं, चेयरमैन के ऊपर भी कोऑर्डिनेटर ले आए हैं, वाइस चेयरमैन के ऊपर भी कोऑर्डिनेटरों ने अपने कर दिया। कोऑर्डिनेटरों का पता ही नहीं है किस चीज का, ना कोई आता है, ना किसी का तल्लक है, ना कोई मोहल्ले में, ना गली में। इसी तरह आप ये ना देखें कि ये आपके सामने है, इस एरिया में जहाँ जहाँ जाएंगे आपको यही चीज नजर आएगी। तो बारिश भी हुई गुज़िश्ता दिनों, क्या सूरत हाल हो जाती है? तो स्मेल जहाँ पर इतनी ज्यादा हो जाती है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, खांसी नजर जुकाम जैसी बीमारियां वबा भी फूटती है, जरासीम फैलते हैं, कई लोगों को जहाँ दमे की बीमारी है उसके लिए वो बहुत खतरनाक है, ट्रैफिक भी जाम रहती है। ट्रैफिक आपके सामने, ट्रैफिक इंतहा से ज्यादा है, जहाँ से ऐसा टाइम आ जाता है जब बारिश आ जाती है पानी भी खड़ा हो जाता है, और उसके अलावा कूड़ा क्रिकेट से स्मेल इतनी आती है कि वो आप मैं सोच नहीं सकते, यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है, लोग बैठ भी नहीं सकते यहाँ पर, स्मेल बहुत आती है यहाँ पर, लोग बैठ नहीं सकते, जिनको शिकायतें भी की है ये आते नहीं है। अच्छा, शिकायत करते हैं आप? शिकायत करते हैं, कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, बिल्कुल। रिस्पॉन्स आता है? हाँ, वो मैडम उधर से मैडम फोन कर देती है हमें, वो कहती है जी वो आए नहीं, आते हैं अफसर वो चले जाते हैं। क्या कहेंगे? अब मैं कह रहा हूँ वो देख के यहाँ चले जाते हैं ना, दुकानदार है। हाँ जी, दुकानदार है। अच्छा, देख के चले जाते हैं। हाँ जी, कब से सूरत हाल ऐसी? ये हफ्ता हो गया पूरा, 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन का कूड़ा है यही? 8 दिन के ऊपर हो गए। ठीक है, तंगी और क्या होती है? बहुत ज्यादा तंगी परेशानी है यहाँ, स्मेल आती है यहाँ पर, अगर बारिश हो जाए चला भी नहीं जाएगा यहाँ से। किसी भी सूरत हाल में आप ये बताएं कि शहरी जिम्मेदार हैं इस सूरत हाल के? नहीं, शहरी जिम्मेदार नहीं है, शहरी लोगों को आपने वसाइल दे दिए, फैसिलिटी दे दी कि आपने एक उनको बॉक्स दे दिया, वो बॉक्स में अब लोग आते हैं, जब ओवरलोड होगा तो फिर बॉक्स से बाहर तो आएगा, शहरियों ने क्या करना है, शहरियों तो अपनी जिम्मेदारी फराइज अंजाम दे। मैंने देखा जो पीछे कूड़े का ढेर था वहाँ किसी शहरी ने आग भी लगाई, तो ये ऐसा तो करना नहीं चाहिए शहरियों? नहीं, लेकिन होता ये है ना कि अब वो क्या करे, स्मेल इतनी शदीद होती है वो होता ही नहीं है। फिर यहाँ पर एक और रूटीन मैटर है, अब यहाँ पर जो इन्होंने एक वार्ड का एक यूसी में इन्होंने एक बना दिया हुआ ऊपर से ही इंचार्ज, वो ये करता है कि महीना इन लोगों से लेते हैं मंथली ली, खत्म कर दिया काम, कोई आता है ड्यूटी पे, कोई आता है वर्कर करता है काम, नहीं करता। ये थोड़े ग्रीन शर्ट में हमारे ओस पाक के वर्कर हैं कि अलबेराग? अलबेराग के, तो अलबेराग के, अलबेराग हड़ताल पे है। अच्छा, मैं वर्कर्स को कभी भी इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि इनका हक बनता है कि अगर इनको मुआवजा ना मिले तो ये अपनी आवाज उठाएं, हड़ताल पे जाएं या ना जाएं, ये नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन इनका हक बनता है कि अगर ये अपना खून पसीना एक करके हमारे घर का कूड़ा उठाते हैं तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। इस बात को मैं सपोर्ट करूंगी, इस बात को मैं सपोर्ट करूंगी। अच्छा, आप लोग हड़ताल पे हैं? जी, हड़ताल से अभी आ रहे हैं।
तो हमारी कहते हमें भी दुख होता है ये कूड़ा इतना पड़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं, ये देखो आधी सड़क जो ना कूड़े ने घेर ली है, हमें भी दुख है। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं, कचरे में हाथ मारते हैं, 100 बीमारियों से हम लड़ते हैं, तो हमें वो काम करने का मुआवजा ही नहीं मिलता, तो हम कैसे करें इनको? कब से मुआवजा नहीं मिला? 2 माह हो गए हैं। 2 महीने हो गए जी। कैसे घर का सर्कल कैसे चल रहा है आप? किराए जिनके घर में हम किराएदार रह रहे हैं ना, वो मालिक का मकान हमारे दरवाजे पे आके हमें गालियां निकालते हैं कि कैसे लोगों तुम लोगों को तनख्वाह ही नहीं मिलती, कहाँ से तुम लोग नौकरी करते हो, कहाँ पे करते हो? हम उन लोगों को क्या जवाब दें कि हम अलबरा की कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ जब से इमरान खान आया ये हमारा हाल हो गया, कैसे हम उन लोगों को बताएं? घर में क्या सूरत हाल? यही सूरत हाल हमारे घर में भी, माल मकान गाली निकालता है, दुकानों से धार लेके सौदा, बच्चों को खिलाया, आटा खिलाया, वो भी हमें गाली निकालता है। अब कौन सी कंपनी में लगे हैं? खोती कंपनी है जिधर से तुमको तनख्वाह नहीं मिलती, 2 माह आ गए हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, तो हम ऐसे ही कल्प कल्प के आज हकार के हम जलसे पे गए हैं, उधर हतार की थी, उधर से हम अभी आ रहे हैं। अभी ये तस्वीर का दूसरा रुख है जो काफी आपको एक दुख भरा रुख नजर आ रहा है और आपको एक दुख भरी कहानी नजर आ रही है। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आज कूड़े वाला नहीं आया। एक तो ये कि हम कूड़े वाला जो कहते हैं बहुत गलत है, कूड़े वाले हम हैं, ये सफाई वाले हैं, ये सफाई करते हैं और इनको जब अपना काम का मुआवजा नहीं मिलता तो इनकी कहानी आपने सुनी है। अच्छा कोई पैगाम देंगे मेरे लिए आज के प्रोग्राम में? आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई पैगाम देंगे? काम तो हमारा यही है कि ना तो हमारे हम सरकारी मुलाजम नहीं, हम कंपनी के मुलाजम है अलबराग की। दूसरी बात ये कि हमें ये जब से अलबराग आई है हमें कभी टाइम से तनख्वाह नहीं मिली। दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं ना कि लेते हैं जो रिश्वत वगैरह, हमारी 15,000 सैलरी है, घर का खर्चा अगर आप तो बताओ ना 30-25,000 रुपया खर्चा। बिल्कुल एग्री। तो 15,000 में हम घर का खर्चा चलाएं या दूसरों लोगों को, अफसरों को या इनको खिलाएं? अच्छा मेडिकल होता है आपका? कुछ भी नहीं होता, हमें कुछ भी नहीं मिलता। अलबराग आपका मेडिकल भी नहीं करवाते? कुछ भी नहीं मिल रहा। बीमार हो जाए तो दवाई देते हैं? कोई नहीं लेते। हमें झाड़ू लगाने की तीले जो ना हम 250 रुपए की हर हफ्ते में लेके आते हैं अपने पल्ले से। झाड़ू भी खुद खरीदते हैं? जी झाड़ू खुद खरीदते हैं, हमें कंपनी नहीं दे रही। मेडिकल नहीं हो रहा, ये मुझे बहुत एक बात ना चुभ रही है कि आपका मेडिकल नहीं करवाते। मेडिकल भी नहीं हो रहा, कोई भी कोई सहूलतियाँ नहीं है, सिर्फ दरोगे आते जी काम करो काम। जब हम अपने अफसर दरोगे को बोलते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, वो कहते हैं तो आप सब दुनिया के साथ हैं। जब हम दुनिया के साथ हैं तो फिर सुबह जैसे कि हम नौकरी पे जाते हैं आते हैं सुबह 5 बजे उठ के आते हैं, वो अफसर आते हैं जी आप लेट आ गए हो जी, घर में कुछ भी नहीं है, घर वालों को कुछ दे के आएंगे तो घर में टाइम से काम पे आएंगे ना। वजीर आला को कोई पैगाम देंगे? उस्मान बुज़दार साहब को कोई पैगाम देंगे? आप कोई पैगाम नहीं पैगाम नहीं देंगे? दर्द में है, दुख में है, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही? मैं तो आपको बताया कि हमें बस गालियां लोग निकाल, जिनसे हमने कर्ज लिया है, ऐसा जिनसे हमने कर्ज ले रहे हैं, जिनसे लिया है। शहरियों का रवैया कैसे है आपके साथ? शहरियों का यही है कि वो हमें कहते हैं ये काम करो, हम काम कैसे करें जब हमें कोई काम करने का मुआवजा ही नहीं मिलता। चले बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज हम आज बने हैं और बिल्कुल इस हक में नहीं है कि आप बगैर तनख्वाह के काम करें, आपको आपके वाजिबात मिलने चाहिए फिर आप काम करना चाहिए, लेकिन हम एहतजाज के हक में भी नहीं है नाज़िन न्यूट्रल रह के इनकी आवाज़ भी हमें बनना है। एक तो सुबह 5 बजे उठ के आपके शहर की सफाई करने वाला शख्स जब भूखा मर रहा है और उसके बच्चे घर में खाने को तरस रहे हैं, उसको अपने घर का किराया भी देना है, मालिक मकान उसको गालियाँ भी दे रहा है, तो उसकी सूरत हाल भी ज़रा आप देखिए। हुकूमत वक्त से यही अपील है कि ये लोग 15,000 के एवज काम करते हैं और 15 आज इस दौर में जहां पर 1,000 रुपए की कोई हैसियत नहीं है और 1,000 रुपए का नोट एक दिन में ऐसे खर्च हो जाता है, ऐसे में 15,000 में ये लोग काम करते हैं कैसे करते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।